हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा टाटा नैनो न्यू वर्जन है जो ट्विस्ट XT है। इसका फ्यूज बॉक्स का सारा कुछ डायग्नोस करेंगे कि कौन सा फ्यूज और कौन सा रिले क्या क्या काम आता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेशन है। अगर वीडियो पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी ऑटोमोबाइल से कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये जो दिया है 5 एम्पेयर, पहला वो आपका इग्निशन क्लस्टर का है। फिर उसके नीचे में दिया है 5 एम्पेयर का, वो है आपका पार्किंग राइट साइड का है। फिर उसके नीचे दिया है 5 एम्पेयर का, वो है आपका पार्किंग लेफ्ट साइड का। फिर उसके नीचे दिया है आपका 15 एम्पेयर हेडलाइट डीपर का है राइट साइड। फिर उसके नीचे दिया है 15 एम्पेयर हेडलाइट डीपर लेफ्ट साइड का। फिर उसके नीचे दिया है हेडलाइट हाई 15 एम्पेयर, ये आपका राइट साइड का है। फिर उसके नीचे दिया है हेडलाइट हाई लेफ्ट साइड 15 एम्पेयर का। फिर उसके नीचे दिया है पावर सॉकेट 10 एम्पेयर का। फिर उसके नीचे दिया है विंडो वाइंडर लेफ्ट साइड का 25 एम्पेयर का। फिर उसके नीचे दिया है विंडो वाइंडर राइट साइड 25 एम्पेयर का। फिर उसके नीचे दिया है एक फ्यूज दिया है FS01 करके 20 एम्पेयर का है। फिर उसके बाद दिया है दोस्तों ऊपर में 20 एम्पेयर का कॉम्बिनेशन स्विच का है। फिर उसके नीचे दिया है वाइपर वॉशिंग का दिया है आपका 20 एम्पेयर का। फिर उसके नीचे दिया है हार्न का 10 एम्पेयर। फिर उसके बाद दिया है नीचे में 10 एम्पेयर पार्किंग और हाजर्ड जो चारों इंडिकेटर चलते हैं एक साथ वो उनका है। फिर उसके नीचे दिया है फ्यूल पम्प का है, वो आपका 15 एम्पेयर दिया है। फिर उसके नीचे दिया है 10 एम्पेयर का ऑडियो जैक सिस्टम का है। फिर उसके नीचे दिया है 5 एम्पेयर का रूफ लैंप जो छत पर रहते हैं कार के वो उनका है। फिर उसके दिया नीचे में फ्लेशर लाइट का दिया है 20 एम्पेयर। फिर उसके नीचे दिया है फ्रंट फॉग लैंप का दिया है 15 एम्पेयर। फिर उसके नीचे दिया है ट्रांसिट MCB 30 एम्पेयर का है। फिर उसके नीचे में दिया है एक FS11 करके 40 एम्पेयर का। फिर दोस्तों आ जाते हैं इधर ऊपर में, हम टॉप में आ जाते हैं FS30 स्पेयर, ये आपका स्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है FS29 स्पेयर, ये भी स्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है FS28, ये भी आपका स्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है विंडो वाइंडर स्विच AC कंप्रेसर का 10 एम्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है रैक बैटरी का है ये सिग्नल का है 25 एम्पेयर। फिर उसके बाद दिया है कंडेंसर फैन का है आपका 15 एम्पेयर। फिर उसके नीचे दिया है आपका इमोबिलाइजर क्लस्टर दिया है, ये आपका 5 एम्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है ब्लोअर मोटर जो AC का रहता है वो उनका है। फिर उसके नीचे दिया है कंप्रेसर क्लच का दिया है, जो AC कंप्रेसर रहता है उसका क्लच का दिया है ये 10 एम्पेयर। फिर उसके नीचे दिया है EMS मेन दिया है आपका 15 एम्पेयर का। फिर उसके नीचे दिया है FS21 60 एम्पेयर का है आपका। फिर आ जाते हैं ऊपर में चौथे लाइन पर, ये आपका FS40 स्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है FS39 स्पेयर, ये भी है। फिर उसके नीचे दिया है FS38, ये भी आपका स्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है आपका 15 एम्पेयर स्टॉप लैंप करके दिया है, ये आपका ब्रेक लाइट का, जब आप ब्रेक पेडल दबाओगे तो जो लाइट जलते हैं पीछे में वो उनका है। फिर उसके नीचे दिया है इग्निशन क्लस्टर का है आपका प्लस कॉम्बिनेशन EPAS 10 एम्पेयर, ये सारे एक में ही दिए हैं। फिर उसके बाद दिया है स्टार्टर सोलेनाइड सेल्फ मोटर का है 25 एम्पेयर। फिर उसके नीचे दिया है रैक 5 एम्पेयर का है। फिर उसके नीचे दिया है इग्निशन का दिया है 5 एम्पेयर का लाइट का है। फिर उसके नीचे दिया है रिवर्स लैंप स्विच का है आपका 10 एम्पेयर। फिर उसके नीचे दिया है EMS ECU इग्निशन 15 एम्पेयर का दिया है। फिर उसके नीचे दिया है FS31 60 एम्पेयर का है। फिर उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों ये इधर ऊपर के में, पहला वाला आपका खाली है। फिर उसके बाद दिया है आपका राइट साइड का है, फ्रंट का आपका पावर विंडो का है, ऊपर करने वाला रिले है। फिर उसके नीचे दिया है बगल में आपका AC कंप्रेसर रिले दिया है। उसके बाद है आपका राइट साइड फ्रंट का पावर विंडो है आपका, डाउन करने का दिया है रिले वो है। फिर उसके बाद है कंडेंसर का दिया है, कंडेंसर रिले है आपका। फिर इधर साइड वाले में आ जाते हैं, ये जो दिया है आपके ऊपर में
स्टार्टर इग्निशन बैटरी रिले का है। फिर उसके नीचे जो दिया है वो आपका कंडेंसर रिले है वो भी। फिर ऊपर में दिया है ये वाला सेट में वो है आपका इग्निशन रिले है। फिर उसके नीचे दिया है वो आपका फ्यूल पंप का रिले है। फिर उसके जो साइड में दिया है वो आपका रेडिएटर फैन का रिले है। फिर उसका जो है एक EMS मेन करके रिले दिया है, ये भी आपका स्टार्टिंग से रिलेटेड रिले है। तो गाइस मैंने ये सारा रिले और फ्यूज के बारे में बता दिया कि क्या क्या काम आता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट में मेरे को बताएं कि कौन सी जगह आपको डाउट लगा, मैं उसके लिए मैं फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ गाइस मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपके लिए हर दिन नया वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।